डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। विषय है थ्रो द आइज ऑफ द पीपल। तो आज का हमारा विषय है ये सैनिक जो विद्रोह था, लोगों की नज़रों में, जनता की नज़र में कैसा था, क्या था। टू गेट ए ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 और 2। तो उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 में देखेंगे। जैसा कि सोर्स 1 है, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, इसमें 84 नियमों की ये सूची है। इसके अनुसार यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार से था। तो ये उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा था, ये नीचे दिया गया है, विष्णु भट्ट बोर्ड से प्रवास पृष्ठ 23-24। इसके बाद है, ये आपका दूसरा सोर्स है, सोर्स नंबर टू। इसमें भी एक ऐसी ही कथा है, एक रिटायर्ड फौजी है, तो इसका शीर्षक है देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, यानी जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो इसमें ऐसा कहा गया कि उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्करण में मिलती है। ये सीताराम पांडे, सूबेदार सीताराम पांडे। तो सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812 यानी 1812 एज ए सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी। तो 1812 में बंगाल में नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था इनको। तो इन्होंने 48 साल तक यहाँ नौकरी की। 1860 में वे सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा खुद भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्त के बाद अनेक कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्करण लिखने के लिए प्रेरित किया कि अपना जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके बारे में लिखो। तो सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्करण में कुछ ये बातें लिखी थी। इसका नाम था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये हेयर इज एक्सपर्ट्स फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रो। तो सीताराम पांडे ने क्या लिखा था उस टाइम पर, कि उन्होंने लिखा कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नबज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाही की भावनाओं को हवा दी और उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले। सिपाहियों को
अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठा जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। तो संयोग से इसी समय ये सोर्स लगातार कंटिन्यू है ऐसे ही। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने लेख में लिखा कि जो ये अंग्रेज़ों ने हमें यानी सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया था, इसी दौरान न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन जो नई राइफल हैं इनमें जो कारतूस इस्तेमाल किया जाता है इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अंग्रेज़ लोग चाहते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी भावना भड़क गई हमारे सिपाहियों में और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो वो सोचते थे कि अंग्रेज़ लोग हमें ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। तो कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी। इस बार भी जो अपने आप ख़त्म हो जाएगी ये बात, और उन्हें मुझे घर से ले जाने की हिदायत भी दी। ये था सीताराम पांडे, सिपाही टू सूबेदार। तो इसके बाद है आपका ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबिलियन, यानी कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बनेगा। द स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट यूजुअल, समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन। यदि भी शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतना फैल जाता है कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इसमें ये बहुत सारे लोग, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट, कि उन्हें विश्वास था कि दे है कॉमन एनिमी, उनका एक ही दुश्मन है, राइज अप अगेंस्ट एनिमी एट द सेम टाइम, और हमें एक ही समय में यानी सबको मिलकर इनका विरोध करना चाहिए। For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn situation around. इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। Such a situation developed in the north part of the India in 1857. भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जो after a 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in the May 1857 and threatened the company's very presence in India. तो ऐसा लग रहा था कि इसे विजय और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। सिपाही इसके बाद थ्रेटन कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, सिपाही म्यूटिनीड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम द मेरठ एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप
इन रिबेलियन सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस द कॉलोनियलिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में बड़ा सशस्त्र संघर्ष चला। इसके बाद है ये एक्टिविटी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस कंसर्न्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू सीताराम एंड अकॉर्डिंग टू विष्णु भट्ट। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड दे थिंक द रूलर्स वर प्लेइंग, व्हाट रोल डिड द स्पाई सीम्स टू प्ले। यानी कि पहला तो है इसमें कि सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी, और दूसरा है ये उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई, सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे। ये दो एक्टिविटी अभी ठीक है दिखाएंगे। धन्यवाद।